أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله मैं नासिर सनाउल्लाह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर से हूँ। मैं आपको आज दुरूसुल लुगतिल अरबियत लिगैर नातिकीन बिहा जुज़ सानी का दर्स नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले सबसे पहले हम हिवार पढ़ते हैं, यानी गुफ्तगु मुकालमा पढ़ते हैं। हिशामन और बिलाल उनके दरमियान एक हिवार है। हिशाम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिलाल, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैफ हालुका, आप कैसे हैं, आपका हाल चाल क्या है। या अखी, मेरे भाई। ठीक, कैफ हालुका, अरे भैया कैसे हैं आप। मनिल अख, मनिल अख, भाई आप कौन हैं, भाई जान आप कौन। ये मानिल अखो जो है ये बड़ा ज़रा पोलाइट भी है पूछने का अरबी में, कि आप बड़े अदब से बड़े मतलब अच्छे तरीके से किसी अजनबी को पूछते हैं कि भाईजान आप कौन है, जैसा उर्दू में कहते हैं भाईजान आप कौन। ठीक, मानिल अखो, भाईजान आप कौन। हिशामुन, अना मुहंदिसुन जदीदुन, मैं एक नया इंजीनियर हूँ। आई एम ए न्यू इंजीनियर, इसमी माई नेम इज़ हिशामुन हिशाम। अना आई एम मिनल विलायातिल मुत्तहिदा फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स। अल विलायातु अल मुत्तहिदतु मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके तीन नाम है, एक तो सिंपली बोलते हैं अमेरिका, अना मिन अमेरिका। दूसरा ये बोलते हैं अना मिन अल विलायात अल मुत्तहिदा अल अमरीकिया, आई एम फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। या कभी सिंपली ये बोलते हैं अना मिन अल विलायातिल मुत्तहिदा, आई एम फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, बिलाल कहता है अहलन व सहलन व मरहबन बिका या अखी, वेलकम टू यू ब्रदर, वेलकम टू यू। अना मसरूरुम बिलिकाइका, आई एम ग्लैड टू मीट यू। अना मसरूरुम बिलिकाइका, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बड़ा खुश हुआ। अना जमीलुका, आई एम योर कोलीग, आई एम योर कोलीग। आपने इस किताब में जमीलुका को बहुत इस्तेमाल होते हुए देखा है। जमीलु के माने हैं जो आपके प्रोफेशन में आपका साथी है। टीचर का जमील टीचर है, स्टूडेंट का जमील स्टूडेंट है, तो आप उस वक्त बोलते हैं ये मेरे आप मेरी क्लासमेट है या मैं आपका क्लासमेट हूँ। ठीक है, इसके माने आप उसी तरह से। तो जनरली अगर आप देखें तो हम कहते हैं आई एम योर कोलीग। अना जमीलों का, आई एम योर कोलीग। इसमी माई नेम इज़, इसमी माई नेम इज़ बिलाल बिन हामिदिन, बिलाल बिन हामिद, बिलाल बिन हामिद। यहाँ बिन जो है ये असल में इबन है, यानी बिलाल हामिद का बेटा, इब्न हामिदिन, हामिद का बेटा। लेकिन जब इब्न का लफ्ज़ जो है आपने दुरूस वन में पढ़ा है कि इब्न और इसम में ये आलिफ जो है ये हमज़तुल वसल है, लिहाजा इसको इब्तिदा में पढ़ा जाएगा, बीच में नहीं पढ़ा जाएगा। आप कहते हैं मस्मुका, न कि मा इस्मुका। ठीक है ना, आप कहते हैं मस्मुका न कि मा इस्मुका, क्योंकि आप बीच में आलिफ नहीं पढ़ते। इसी तरह आप पढ़ते हैं हाज़बनी, ये मेरा बेटा है, न कि हाजा इबनी। आप पहले बीच में नहीं, हाज़बनी। या हम किसी को पूछते हैं आई नबनुका, वायर इज़ योर 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 सन, आई ना इबनुका, आपका बेटा कहाँ है, वायर इज़ योर योर सन, आई नबनुका। लेकिन ये इबन जो है जब ये दो अलमों के दरमियान, यानी दो प्रॉपर नाउन्स के दरमियान, जैसे यहाँ बिलाल भी एक प्रॉपर नाउन है, हामिद भी एक प्रॉपर, जब इनके दरमियान लिखा जाएगा तो अलिफ ड्रॉप किया जाएगा। सिर्फ पढ़ने में नहीं बल्कि किताबत में भी, लिखने में भी उसको ड्रॉप किया जाएगा। फिर कहता है बिलाल अमीन वाशिंगटन ना अंत या हिशाम, आर यू फ्राम वाशिंगटन, यानी अमेरिका का एक बहुत बड़ा ये क्या नाम है शहर है, क्या आप वाशिंगटन से हैं। हिशाम, ला नो, हैं अना मैं लस्तु, आई एम नॉट फ्राम मीन वाशिंगटन, फ्राम वाशिंगटन। इन्नी मीन न्यूयॉर्क, आई एम फ्राम न्यूयॉर्क, आई एम फ्राम न्यूयॉर्क, एक स्टेट का नाम है, वाशिंगटन भी एक स्टेट का नाम। तो कहता है कि नहीं मैं वाशिंगटन से नहीं, मैं न्यूयॉर्क से हूँ। बिलाल, आ मुस्लिम अबू का या हिशाम,
या हिशाम, इज योर फादर ए मुस्लिम अ मुस्लिमुन अबू का अबू और मुस्लिमुन अबू का, इज योर फादर, क्या आपके वालिद साहब मुसलमान है? हिशाम जवाब देता है ला, नहीं, हुआ लैसा बि मुस्लिमिन, वो मुसलमान नहीं है। को लैसा, आज आप इस लेसन में लैसा के इस्तेमाल को सीखेंगे इंशाल्लाह तआला अच्छी तरह। लैसा जो है ये काना की बहन है, काना की बहन है। तो काना व अखवातुहा जो है वो क्या करते हैं, जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और जुमला इस्मिया को के इसम मुब्तदा को अपना इसम बनाकर उसको पेश वाला बना देते हैं और अब उसकी खबर को अपनी खबर बनाकर उसको मंसूब बना देते हैं, ठीक है। एंड जैसे हम कहेंगे अलवलदु मुस्लिमुन, अलवलदु मुस्लिमुन, लेकिन अगर लैसा काना लगाएंगे तो हम कहेंगे कान अलवलदु वलदु वलदु, अब कान का इसम बन गया तो मरफू है, कान अलवलदु मुस्लिमन मुस्लिमन, ये खबर बन गई काना की तो ये हो गई मंसूब, काना की खबर मंसूब होती है, ठीक है। इसी तरह लैसा है, लैसा का इसम यहाँ जो है वो तो इसमें मतलब ये है क्या बोलते हैं मुस्ततिर है क्योंकि पहले ही उसका जिक्र हो चुका है हुआ का, ठीक। तो इसने कहा लैसा बि मुस्लिम, लेकिन काना व अखवात हुआ में लैसा एक ऐसी ऐसा ऐसी मतलब कान ऐसी एक ऐसा हरफ है, एक ऐसी ऐसा ऐसी बहन है उनकी कि इसके साथ बा बा भी लगती है, हरफ जर बा, इसकी खबर के साथ। जब इसकी खबर के साथ बा हरफ जर लगेगी तो वो जेर वाला यानी मजरूर बनेगा, तो अब वो मंसूब नहीं लिखा जाएगा, नहीं यानी कि हम नहीं लिख सकते हुआ लैसा बि मुस्लिमन, क्योंकि हम कहेंगे यार ये तो खबर है लैसा की, नहीं, जब लैसा की खबर पर बा हरफ जर आती है तो वो मजरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ हिशाम कहता है ला, नहीं, हुआ लैसा बि मुस्लिमन, हम इसको आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लिहाजा मैं यहाँ जल्दी से निकल रहा हूँ। बिलाल, वह उम्मू का एंड योर मदर, और आपकी माँ अ मुस्लिमतुन हिया, ईशी अ मुस्लिम। हिशाम ला, नो, हिया लैसत बि मुस्लिमतिन, नो, शी इज़ नॉट अ मुस्लिम। यहाँ भी आया लैसत बि मुस्लिमतिन, अगर बि काट देंगे तो हम कहेंगे हिया लैसत मुस्लिमतन, इस तरह ऊपर हुआ लैसा मुस्लिमन, अगर बा काट देंगे। चलिए बिलाल क्या था, अला का अबना उन या हिशाम, हिशाम क्या आपके बेटे हैं? नाम, हिशाम जवाब देता है नाम, ली सित्ततो अबना इन, मेरे छः बेटे हैं। अबना किसकी जमा है? इब्नुन की जमा है, इब्नुन मुजक्कर है, तो सित्ततो यानी छः मोनस लिखा गया, सित्ततो अबना इन, सित्ततो अबना, मेरे छः बेटे हैं। फिर बिलाल पूछता है आ तुल्लाबुन हुम, क्या वो स्टूडेंट्स है? आ तुल्लाबुन हुम, क्या वो स्टूडेंट्स है? हिशाम जवाब देता है ला, नहीं, हुम लैसु बितुल्लाबिन, वो दे आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। इन बाज़हुम, उनमें से बाज़ यानी कुछ तो है, तुजारुन मर्चेंट्स, ताजिर ताजिर है, व बाज़हुम और कुछ हैं, मुहंदिसून इंजीनियर्स। बिलाल, अलका बनातुन, अलका बनातुन, डू यू हैव डॉटर्स, क्या आपकी बेटियां हैं? हिशाम जवाब देता है नाम, हाँ, ली खमसु बनातिन, बनातुन जमा है बिनतुन की, बिनतुन मुअन्नस है तो खमसु मुजक्कर लिखा गया। आपने पढ़ा होगा ये आदद में जब हम तीन से लेकर दस तक जो आदद है वो अपने मादूद के खिलाफ लिखा जाता है मुजक्कर मुअन्नस के एतबार से, यानी जिनस के एतबार से, यानी अगर मादूद मुजक्कर है तो आदद को मुअन्नस लिखा जाएगा, और अगर 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 मादूद मुअन्नस है तो आदद को मुजक्कर लिखा जाएगा। बिलाल, मुतज़व्वजातुन हुन्ना, आर दे मैरिड? हिशाम ला, नहीं, हुन्ना लसना बिमुतज़व्वजातिन, वो मैरिड नहीं हैं। इन्ना हुन्ना सिगारुन, वो तो अभी छोटी हैं, इन्ना हुन्ना सिगारुन, वो तो अभी छोटी हैं। बाज़ु हुन्ना फिल मदरसति अल इब्तिदाईयति, हैं उनमें से कुछ तो अभी प्राइमरी स्कूल में है, व बाज़ु हुन्ना फिल मदरसति अल मुतवस्सितति, और कुछ तो मिडिल स्कूल में है। बिलाल, अलका इख्वतुन, क्या आपके आपका कोई भाई, डू यू हैव एनी ब्रदर्स, इख्वतुन? हिशाम ला, नहीं, लैसा ली इख्वतुन, मेरा कोई भाई नहीं। इन्ना ली सलासा अखवातिन, आई हैव थ्री सिस्टर्स,
मेरे तो तीन, मेरा तो कोई भाई नहीं है लेकिन तीन बहनें हैं। सलासा अखवातिन, अखवातन उख्तुन की जमा अखवातुन, ठीक है, ये मोनस है तो सलासा मुजक्कर लिखा गया। इन्नली सलासा अखवातिन, मेरी तीन बहनें हैं। बिलाल, अ मुस्लिमातुन हुन्ना, क्या वो मुसलमान है? हिशाम, नाम हाँ, हुन्ना मुस्लिमातुन, वो मुसलमान है। वल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है इस पर कि वो मुसलमान है। ठीक है, यहाँ पे हमारे इस लेसन का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको 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 तमरीन है। अब तमरीन के हवाले से हमने, ए सॉरी, जिसको कन्वर्सेशन बोलते हैं, गुफ्तगू। अब हमें इसमें दूसरा 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 हिस्सा जो होता है वो है तमरीन का। तमरीन में पहली दो तमरीन जो है ये इसी जुमले के मुतालिक होती हैं। उस्ताद अपने स्टूडेंट से सवाल पूछता है तो वो जवाब देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप मेरे सामने नहीं हैं तो मैं इन दो को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इनको खुद पढ़ने की कोशिश करें और उनका जवाब लिखने की कोशिश करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, जो मैंने कहा कि इस लेसन का क्रकस है कि लाइसा को इस्तेमाल कैसे करना है। हर तामल मायली, ज़रा इस पे गौर कीजिए। हामिदुन तालिबुन, हामिदुन तालिबुन, हामिदुन लाइसा बि तालिबिन। हाँ, लाइसा की का मुब्तदा असल में हामिद है, लेकिन वो पहले लिखा गया है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइसा हामिदुन तालिबन, लेकिन यहाँ इस तरह लिखने का ज़्यादा जो है अच्छा, मतलब ये ज़्यादा अच्छा तरीका ये है। हामिदुन लाइसा बि तालिबिन, हामिदुन लाइसा बि तालिबिन, हामिदुन लाइसा बि तालिबिन। तो लाइसा के बाद बा आ गया खबर पर, लाइसा की खबर पर, तो ये मजरूर बन गया। अदरवाइज ये क्या रहता? तालिबन यानी मंसूब। अतुल्लाबु सिगारुन, अतुल्लाबु लाइसू बि सिगारिन, लाइसू यहाँ वाव है, यानी चूंकि तुल्ला प्लूरल है तो लाइसू आ गया, वाव यानी ये भी आ गया प्लूरल में। ठीक है, लाइसू बि सिगारिन। आमिना तो तबीबतुन, आमिना तो लाइसत बि तबीबतिन, लाइसत यहाँ आ गया, चूंकि आमिना मोनस है तो लाइसत आ गया, यानी बिल्कुल लाइसा की गर्दान जो है फेले माजी की तरह इसकी गर्दान है, लेकिन इसका कोई मुजारा या अमर वमर वगैरह नहीं है। ना फेले नहीं, ना फेले अमर, ना फेले मुजारा, इसकी सिर्फ मुजारा की गर्दान आती है, लेकिन सारे 14 से गे। तो आपको लिए याद, आपको आपको जो है इसका ख्याल रखना पड़ेगा, मैं किस की बात कर रहा हूँ, मुजक्कर की, मोनस की, वाहिद की, जमा की वगैरह। अलफतयातु मुतजवीजातु, नौजवान लड़कियाँ शादीशुदा हैं। अलफतयातु लसना बिमुतज़वीजातिन, लसना लसना बिमुतज़वीजातिन। ठीक है, यहाँ लाइसू आ गया क्योंकि हम मुजक्कर की बात करें, इसको बोलते ही हैं वावुल जम्मे, और यहाँ लसना आ गया, इसको बोलते हैं नून निस्वा, यानी ये औरत का नून है। इस वाव पे, वाव साकिन का मतलब है इंग्लिश में दे ऑल मैन। इस नून मफ्तू, नून मफ्तू का मतलब है, इसका मीनिंग, इसकी मीनिंग है दे ऑल वुमेन। ओके, अल फतयातु लसना बिमुतज़वीजातिन, वो शादीशुदा नहीं है। अंत कबीरुन, अंत लस्ता बिकबीरिन, अंत लस्ता बिकबीरिन। आपने इस किताब के पहले लेसन में आपने पढ़ा कि इन्ना प्लस जमीर हुआ इज इक्वल टू इन्ना हु, इन्ना प्लस हिया इज इक्वल टू इन्ना हा, इन्ना प्लस अंता इज इक्वल टू इन्ना का, इन्ना प्लस अंतुम इज इक्वल टू इन्नकुम। लेकिन यहाँ क्या है, लाइसा जो है जब इसके साथ ये चीज़ें लगेंगी तो इसके लास्ट में, यानी इन्ना प्लस लाइसा प्लस अंता डज नॉट मीन लाइसा का, बल्कि इसको फेल वाला मामला, जो ये फेले माजी का मामला इसके साथ किया जाएगा। जो फेले माजी जब आप हाजिर में लाते हैं, मिसाल मैं कहता हूँ अंत जहबता आप चले गए, अंत जहबता आप चले गए, इसी तरह अंत लस्त अंतुम जहबतुम अंतुम लस्तुम, अंति जहबती अंति लस्ती, अंतुन्ना जहबतुन्ना अंतुन्ना लस्तुन्ना, अना जहबतु मैं चला गया, अना लस्तु, नहनो जहबना नहनो लसना। तो यहाँ फेले माजी का ख्याल आप रखेंगे इसको। अंत लस्त बिकबीरिन, लस्त बिकबीरिन, अंत अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। लस्त बिकबीरिन आप बड़े नहीं है, अंतुम जुदुदुन आप नए है, अंतुम लस्तुम बिजुदुदिन आप नए नहीं है, लस्तुम बिजुदुदिन, लस्तुम बिजुदुदिन।
लस्तु भी अंति फकीरतुन आप फकीर हैं, अंति लस्ति भी फकीरतिन, अंतुन्न मुज्तहिदातुन अंतुन्न लस्तुन्न भी मुज्तहिदातिन, अना मुदरिसुन मैं एक टीचर हूँ, अना लस्तु भी मुदरिसिन, नहनु तुल्लाबुन नहनु लसना भी तुल्लाबिन। ठीक है, तो आपने यहाँ सीखा कि हम एक सिंपल जुमले इस्मिया को जो एफर्मेटिव है यानी जुमले मुस्बता है उसको हम नेगेटिव बना रहे हैं, उसको हम क्या बना रहे हैं, मनफी जुमला बना रहे हैं। और इस्तेमाल क्या, कौन सा जो है इस्तेमाल हर्फ या कलिमा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं लाइसा। लाइसा क्या है, लाइसा मिन अखवाती काना है, लाइसा मिन अखवाती काना है। और इसको काना से अलग कौन सी चीज़ करती है, वो यही चीज़ है कि इसकी खबर के साथ हर्फ जार बा लगती है, कभी कभी बा लगती है और कभी हम इसको बा के बगैर भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन अक्सर बा लगती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर पे इसी तरह से आपको जैसे आपने क्वेश्चन नंबर थ्री में सीखा, अब क्वेश्चन नंबर फोर को ऐसे ही अदखिल लाइसा अला जुमला ला दिया, इन पे लाइसा दाखिल करो और इस तरह जिस तरह ऊपर सिखाया गया है और इनको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओ। अलबाबू मुगलाकुन, अलबाबू मुगलाकुन, तो हम कहेंगे अलबाबू बाब मुजक्कर है ना, तो मैं कहूँगा लैसा बि मुगलकिन, अलबाबू लैसा बि मुगलकिन, दरवाज़ा बंद नहीं है। अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है, तो मैं कहूँगा अलमाउ लैसा बि बारिदिन, बि बारिदिन, अलमाउ लैसा बि बारिदिन। नंबर थ्री, हिशामुन मरीजुन, हिशाम बीमार है, तो हम कहेंगे हिशामुन लैसा बि मरीजिन, हिशामुन लैसा बि मरीजिन। नंबर फोर, अभी नाइमुन, अभी मेरे वालिद साहब सो रहे हैं, अभी नाइमुन, तो मैं हम जवाब देंगे अभी लैसा बि नाइमिन, अभी लैसा बिनाइमिन। अब ये दो फिफ्थ और सिक्स्थ में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसको खुद करेंगे। सेवन्थ को देखिए, अतिफ्लु जवानो, जवानो, चूँकि ये ममनू मिन सरफ कलमा है लिहाजा इसके नीचे ज़ेर नहीं आएगी, ज़ेर के बदले भी यानी इसको कसरा के बदले भी हम फतह देंगे जब ये मजरू हालत जर में होगा। हम कहेंगे अतिफ्लु जवानो को यहाँ हम नेगेटिव बनाएंगे, अतिफ्लो लैसा बि जौआना, बि जौआना, जैसे यहाँ इसने दिखाया भी है बि जौआना। ठीक है, शाबाश। जो भी इसम यानी जो भी इसम और जो भी सिफत अलिफ नून पर एंड होती है, ख़त्म होती है, वो ममनू में नसरफ होती है, जैसे ये जौआनो अतशानो है, इसी तरह है उस्मानो अफ़ानो वगैरह वगैरह। नंबर फाइव, इकरा अल मिसालैन, अब दो मिसालें पढ़ो, सुम्मा अदखिल लैसा अल जुमला लाते, फिर इस तरह जुमलों पर ये दाखिल करते जाओ लैसा को। हुआ लैस, हुआ ताजिरुन, वो एक ताजिर है, हुआ लैसा बिताजिरिन, वो ताजिर नहीं है, हुआ मिन अल यबान, हुआ लैसा मिन अल यबान, वो जापान से नहीं है, हुआ मिन अल यबान ही इज़ फ्राम जापान, हुआ लैसा मिन अल यबान ही इज़ फ्राम ही इज़ नॉट फ्राम जापान। यहाँ ये सिखाना चाहता है आपको, भाई यहाँ देखो हुआ की खबर है ताजिरुन, लेकिन यहाँ हुआ की खबर है दूसरे सेंटेंस में मिन अल यबान, तो जब खबर हरफी जर और मजरूर से बनी हुई हो तो लैसा के बाद उसके ऊपर भी दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि दो हरफी जर एक साथ जमा नहीं हो सकते। आप नहीं कहेंगे हुआ लैसा बी मिन अल यबान, दो हरफी जर नहीं लगेंगे एक साथ, यहाँ तो कहेंगे आप हुआ लैसा बि ताजिरिन, लेकिन जब खबर लैसा की खबर हरफ़ जर और मजरूर हो तो आप उस वक़्त बा नहीं लिखेंगे उसके साथ। ठीक है, इसका ख्याल कीजिए और आगे बढ़िए। अस्सयारतु जमीलतुन, गाड़ी खूबसूरत है, अस्सयारतु लैसत, सयारतु मोनस है ना, इसलिए लैसा नहीं, इसलिए आएगा लैसत, जैसे ज़हबा ज़हबत, खालिदुन ज़हबा ज़ैनबु ज़हबत। ओके, सो अस्सयारतु लैसत बिजमीलतिन, अना गनीयुन, अना लस्तु, जैसे मैं कहता हूँ अना ज़हबतु,
इसी तरह आना लस तो बेगनीयन बेगनीयन। नंबर थ्री अंत फकीर आप फकीर हैं। अंत लस्त बेफकीरिन अंत लस्त बेफकीरिन। फिर नंबर फोर है हिया मिनल इराक वो इराक से है शी इज़ फ्राम इराक तो हम कहेंगे हिया लैसत मिनल इराक हिया लैसत मिनल इराक बी नहीं लगेगा अब हम नहीं कहेंगे हिया लैसत बी मिनल इराक नहीं अब यहाँ मिन जो है हर पिजर ऑलरेडी मौजूद है तो हम बा हर पिजर को अब उमिट करेंगे हजब करेंगे हम कहेंगे हिया लैसत मिनल इराक। नहनु अज़किया ये आपको आएगा हुआ अज़बुन ये भी आना चाहिए। नंबर सेवन पे मैं आ रहा हूँ अलमुदरिसून फिल फुसूल तो मैं कहूँगा अलमुदरिसून इसका माने है अलमुदरिसून फिल फुसूल द टीचर्स और इन द क्लासेस टीचर्स क्लासरूम में है ठीक है। अब मैं कहूँगा वो क्लासरूम में नहीं है तो मैं कहूँगा अलमुदरिसून लैसू प्लूरल वाउल जमा लगाऊँगा मैं अलमुदरिसून लैसू फिल फुसूल न कि बी फिल फुसूल अब बी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ फी हर पिजर ऑलरेडी मौजूद है तो मैं कहूँगा अलमुदरिसून फिल लैसू लैसू अलमुदरिसून लैसू फिल फुसूल फिल फुसूल। शाबाश अब ये दो चार हैं आप इसको खुद कर सकते हैं लेकिन अलेवंथ जो है यहाँ थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हो जाए आपको तो मैं इसको पढ़ूंगा अंतुन तालिबातुन जुदुदुन अंतुन तालिबातुन जुदुदुन। हम कहेंगे अंतुन लस्तुन जहाबतुन के बजाय लस्तुन अंतुन लस्तुन बि तालिबातिन जुदुदिन चूँकि जुदुद तालिबात की सिफत है जब बी की वजह से तालिबात मजरूर बनेगा तो जुदुद भी उसी तरह मजरूर बनेगा तो हम कहेंगे अंतुन लस्तुन बी तालिबातिन जुदुदिन। ओके अब क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है यार अजीबन सिलत लाद इन सवाल के जवाब दीजिए बिन नफी नफी में यानी नेगेटिव में मुस्तमिल लाइसा आपको इस्तेमाल करना है लाइसा ठीक है। नंबर वन आ मुहंदिसुन अबू का इज योर फादर एन इंजीनियर हम कहेंगे ला ला चूंकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आ मुहंदिसुन अबू का क्या आपके वाले साहब इंजीनियर हैं आप मुझे कहते हैं ला हुआ चूंकि वो थर्ड पर्सन है तो आप कहते हैं हुआ लैसा बी मुहंदिसिन यानी मेरे बाप हुआ अब आप उसके बदले ज़मीर इस्तेमाल करेंगे ला हुआ लैसा बी मुहंदिसिन। नंबर टू अमुदरिसतुन उम्मुका क्या आपकी माँ टीचर हैं आप जवाब देंगे ला नहीं हिया क्योंकि वो मोनस है हिया लैसत बी मुदरिसतिन हिया लैसत बी मुदरिसतिन वो टीचर नहीं है। नंबर थ्री आ तुल्लाबुन इख्वतुका क्या तुम्हारे भाई जो हैं वो स्टूडेंट्स है मैं कहूँगा ला नहीं हुम चूँकि वो प्लूरल है इसलिए मैं हुम लैसू हुम प्लूरल है ना इसलिए लैसू बि तुल्लाबिन ला हुम लैसू बि तुल्लाबिन। नंबर फोर अमुमारी जातुन इख्वातुका का अखवातु का क्या तुम्हारी बहनें नर्सेस हैं और दे नर्सेस मैं जवाब दूंगा ला नहीं हुन्ना हमारी जात क्योंकि मोनस है प्लूरल है मोनस प्लूरल तो हुआ ये का हुम हिया का जमा है हिया की जमा क्या है हुन्ना ला हुन्ना लसना हुन्ना लसना बि मुमर्रिजातिन हुन्ना लसना बि मुमर्रिजातिन ठीक है। अब ये दो तीन पार्ट्स आप खुद इनका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन है युवजुल मुदरिस इला कुल्ली मिनत तुल्लाब अल अस अस इलतन टीचर हर स्टूडेंट की को ये सवाल पूछेगा कुछ सवालात पूछेगा यकून जवाब हो जिसका जवाब क्या होगा बिन नफी नेगेटिव में व यरुद्दु अलैहा अत्तालिब
مستعمل لست نحو اور اسٹوڈنٹ جواب دے گا نہیں وہ نہیں میں جواب دے گا وہ نہیں میں جواب دے گا یعنی نگیٹو میں جواب دے گا استعمال کرتے ہوئے کیا لست یعنی اب اپنے بارے میں آپ کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں امن امریکہ انت امن امریکہ انت انت آپ جواب دیں گے لا لا انا لست من امریکہ نہیں میں امریکہ سے نہیں ہوں لا انا لست من امریکہ نہیں میں امریکہ سے نہیں ہوں پھر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں امتزوج انت کیا آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کہیں گے لا نہیں انا لست لست بی متزوج نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں پھر میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں ا مریض انت ا مریض انت آپ جواب دیں گے لا انا لست بیماریز نہیں میں بیمار نہیں ہوں پھر میں ایک سوال یہ کر سکتا ہوں ا مہندس انت کیا آپ انجینئر ہیں آپ جواب دیں گے لا انا لست بمہندس نہیں میں انجینئر نہیں ہوں ٹھیک ہے شاباش اب کوشچن نمبر 8 پہ آئیے یہاں آپ کو ایک اور چیز سکھائی جا رہی ہے انا کے بارے میں ذرا اس کو دیکھیے اس طرح آپ آگے بڑھیں گے کوشچن نمبر 8 ایک اور المثال مثال کو ذرا پڑھو ثم ادخل انا علی الجمل الاتیہ پھر انا کو آنے والے جملوں پر داخل کرو مثال کیا ہے لی ثلاث اخوات لی آئی ہیو ثلاث اخوات تھری سسٹرس یہ کہتا ہے کہ اصلہ یہ سینٹینس کی اصل کیا ہے ثلاث اخوات لی یعنی ثلاث اخوات مبتدا ہے لی خبر ہے لی خبر ہے ٹھیک ہے نا ثلاث اخوات اصل یہ لی جو ہے لی یہاں خبر ہے لیکن یہاں خبر مقدم آئی تھی چونکہ حرف جر اور حرف جر لام اور مجرور یعنی ضمیر ہے یا اس سے بنی ہوئی ہے خبر اور مبتدا جو ہے مبتدا یہاں کیا بولتے ہیں نکرہ ہے تو جب خبر حرف جر اور مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو خبر کو پہلے لکھتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں لکھتے ہیں تو اس لیے جب اس نے انا لکھا اس سینٹینس پر لی ثلاث اخوات یہ بن گیا انا لی ثلاث اخوات کیونکہ انا اپنی مبتدا کو منصوب بنائے گا نہ کہ خبر کو چاہے خبر پہلی لکھی ہوئی کیوں نہ ہو تو اس نے ثلاث کو بنا دیا ثلاث لی کو اپنی جگہ رہنے دیا ٹھیک ہے تو اصلہ یعنی اس سینٹینس کی اصل ہے انا ثلاث اخوات لی ان ثلاث اخوات لی آپ آگے جا کر پڑھیں گے کہ کتنی کنڈیشنز ہے کیا کہاں کہاں ہم خبر کو پہلے لاتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں وہاں لگانا پڑتا ہے اور اس کے جو ہے شروط کیا ہیں اس کے وجوہات کیا ہوتی ہیں یہاں آپ اس کو سمپل یہ دیکھیے کوشچن نمبر اس پارٹ نمبر 1 دیکھیں فی الفصل خمسۃ طلاب جدد فی الفصل خمسۃ طلاب جدد فی الفصل سو خمسۃ طلاب جدد اصل میں مبتدا ہے جب ہم انا لگائیں گے اس پہ تو ہم کہیں گے ان فی الفصل خمسۃ طلاب جدد تو صرف عدد کے اوپر جو پیش تھا یہ ضمہ تھا یہ ضمہ جو ہے یہ اور ایک فتحۃ میں چینج ہو جائے گا یعنی فتحۃن میں چینج ہے زبر میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہ تو حالت رفی میں ہے تو انا کی وجہ سے حالت نصب میں چینج ہو جائے گا نمبر 2 لنا مدرسن جیدن ہمارا ایک اچھا ٹیچر وی ہیو اے ویری گڈ ٹیچر ہم کہیں گے ان لنا مدرسن جیدن ان لنا کیونکہ خبر پہلے آئی ہے تو اس کو
बाद में इसको लना ही रखेंगे, इन्ना मुदरिसन पे काम करेगा, इन्ना लना मुदरिसन जयदन, जयदन मुदरिसन की खबर है, तो जो एराब इसका होगा वही एराब इसका होगा, इन्ना लना मुदरिसन जयदन। नंबर थ्री, फी जेबी मेरी जेब में है क्या, मियातु रियालिन, मियातु रियालिन, हम कहेंगे इन्ना फी जेबी, इन्ना फी जेबी, मियाता रियालिन, मियातु बनेगा क्या, मियाता रियालिन, मेरी जेब में 100 रियाल है। नंबर फोर, फिल हिंदी अनहारुन कसीरा, इंडिया में काफ़ी दरिया, ये जो है दरिया हैं, फिल हिंदी अनहारुन कसीरा, तो बनेगा इन्ना फिल हिंदी, फिल हिंदी अनहारन, अनहारन कसीरतन, अनहारन कसीरतन, ठीक है। इसी तरह से आप ये दो करेंगे। अब इस लेसन को ख़त्म करते हुए हमें, हमने जो इसमें नए कलमात पढ़े उनकी ज़रा मीनिंग नोट कीजिए। लिकाउन मीन्स मीटिंग, लिकाउन मीन्स मीटिंग, जयदुन मीन्स अच्छा, गुड, बेटर, ओके, वेल, जयबुन जमा जयूबुन मीन्स पॉकेट, जयबुन जमा जयूबुन मीन्स पॉकेट, और नहरुन जमा अनहरुन मीन्स रिवर, नहरुन जमा अनहरुन मीन्स रिवर, बर्कियतुन जमा बर्कियतुन मीन्स टेलीग्राम, बर्कियतुन जमा बर्कियात मीन्स टेलीग्राम, मसरिफुन जमा मसारिफो मीन्स बैंक, मसरिफुन जमा मसारिफो मीन्स बैंक, मकतबुल बरीद मीन्स पोस्ट ऑफिस, मकतबुल बरीद मीन्स पोस्ट ऑफिस। इन्हीं कलिमात से आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अब हम इंशाअल्लाह ताला लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, वहाँ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।